तो नगर निगम तभी क्यों जागता है जब जनता परेशान हो जाती है, उसे मौत हो जाती है। मेयर साहिबा उस टाइम सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि गलियों में भराव होने हैं। गलियों में पहली बार कचड़े का भराव हुआ है और डोर टू डोर कलेक्शन ये कंपनी उठाएंगी, लेकिन वो भी नाकामयाब हुए। पिछले 5 साल में 5 बार लोगों ने देखा, जब जब बरसात हुई शहर का समुन्दर बन गया। भाजपा की नीतियों से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान और बेरोजगारी से परेशान है लोग। ये लोग काम नहीं कर रहे थे, लोगों ने बदल दिया। हिमाचल में क्या हुआ, उखाड़ के फेंक दी सरकार, डबल इंजन की सरकार गई। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका KIA में। दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेता कैसा हो। तो हमारा नेता कैसा हो, मैं चूंकि नगर निगम में निकाय चुनाव चल रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो मैं हम डिस्कस करेंगे आज कि हमारे फिरोजाबाद शहर का मेयर यानी महापौर कैसा होना चाहिए। इस चर्चा पर संवाद करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्रीमान राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी वैसे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। चूंकि अब प्रसपा और सपा दोनों का विलय हो गया है, तो अब समाजवादी पार्टी में क्या नई जिम्मेदारी मिलती है ये देखने का विषय रहेगा। फिलहाल राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। राजकुमार जी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज कि हमारा जो शहर का मेयर है वो कैसा हो। पहला नागरिक होता है शहर का, प्रथम नागरिक कहा जाता है मेयर को, तो मेयर कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर मुखिया अच्छा होगा तो परिवार अच्छा चलेगा, बिल्कुल जी, और अगर मेयर अच्छा होगा तो शहर अच्छा चलेगा। तो आपके नजरिए से कैसा होना चाहिए हमारा जो मेयर हो। देखिए, मेरे क्या जो नज़रिया होता है वो समाज के लिए मेयर का नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि मेयर प्रथम नागरिक है तो उनके कर्तव्य भी उस हिसाब से ज़्यादा बनते हैं। उन कर्तव्यों में देखिए, मेरा और इस जो आज की जनता जो समझ रही है, जो जनता का जो मूल्यांकन है वो किन विषयों पर होगा। जनता का मूल्यांकन होगा जो गंदगी उनकी रेगुलर साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर वेस्टेज है जो उनको प्रॉपर पर डे उनको उठाया जाए, तरीके से साफ सफाई हो, चाहे वो मुस्लिम आबादी क्षेत्र हो, चाहे जहाँ से वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं उस क्षेत्र से भी, क्योंकि आज ये भेदभाव की जो राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये जो राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए। प्लस शिक्षा का जो मॉडल है वो बिल्कुल फेल है इनका। जो नगर निगम का जो अपना शिक्षा का मॉडल है वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके स्वास्थ्य का जो मॉडल था वो फेल हो चुका, क्योंकि उन्हें खुद आना पड़ा। आप किया न्यूज़ ने भी कवर किया और पूरा फिरोजाबाद जानता है, जो डेंगू का केस हुए थे, डेंगू के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए शहर में, खासकर बढ़ गए, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी प्रकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रबुद्ध सम्मेलन में आए थे फिरोजाबाद जी, तो प्रबुद्ध सम्मेलन में वो कुछ फोटोज़ वायरल हुए, आप सभी लोगों ने देखे। वो फोटोज़ किस चीज़ के थे? नगर निगम के भ्रष्टाचार के थे, नगर निगम की असफलताओं के थे। नगर निगम के अगर असफलता नहीं होती तो हरी चादर लगा के जो गंदगी को छुपाया गया था वो छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। फायदा आज जनता बदलाव देखना चाह रही है और उस बदलाव का बहुत नज़दीक नज़दीक जो उदाहरण है, मैं उस उदाहरण को देना देखना। देखिए, हम देखा जाए तो 2 सीटें जीते, मैनपुरी की लोकसभा का चुनाव जीते हैं, आदरणीय डिंपल जी भाभी जी जीती हैं, खतौली से हम लोग जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं प्रदेश में कि जनता बदलाव चाह रही है। पहला, आज कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, आप अलग अलग मुद्दों पे अभी अभी हमारी आपसे बात होगी, किसी भी मुद्दे पे आप ले लीजिए, सारे मुद्दों पे ये लोग फेल है। ठीक है, रामपुर की चूंकि आपने अभी बात करी उपचुनाव में, हमने कवर किया था, हमने मैनपुरी कवर किया, रामपुर भी कवर किया, खतौली भी कवर किया। तो रामपुर में जो लोग कह रहे थे, तो उसके मतलब जहां 40-45 साल से सपा का गढ़ रहा वो, और अचानक से वो बदलाव हो गया, वहां पर लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार हम बदलाव चाहते हैं और सपा के आतंक से हम परेशान हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। देखिए, रामपुर एक ऐसा शहर है जहाँ कुछ चीज़ें फेमस हैं और वहाँ का उसमें विकास भी फेमस था। जो समाजवादी लोगों ने विकास किया था वो भी उन लोगों के जो विकास था
आप खुद देखिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे देख लीजिए, अगर ग्राम स्तर पे देखेंगे, ग्राम पंचायत का कोई चुनाव है, तो लोग एक बार अगर किसी को चुन लेते हैं, अगर वो उस हिसाब से काम नहीं करता है तो उसे दोबारा बदल देते हैं। अभी आपने खुद बताया कि पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं समाजवादी लोग, वहाँ जीतते आ रहे हैं। क्यों जीतते आ रहे हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने काम किया और उस काम के बलबूते पर लोगों से, लोगों की जो समस्याएं उनको सुना, परिवार का दर्द समझा, परिवार की तरीके से उन लोगों को सुना गया और उनको दर्द को महसूस किया गया, और जब दर्द महसूस किया गया तो उसी हिसाब से उसका विकास किया गया, तो उसका वोट मिलता था। अब वो जो वोट प्रशासन ने निकलने ही नहीं दिया, आप तो मीडिया के साथी हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उन चीज़ों को दिखाया, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया, और मैं तो उस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। जो प्रत्येक बूथ पे देख लीजिए, देखिए बूथ बनने का एक नियम होता है, उस बूथ को कब बनाते हैं हम? जब बूथ तब बनता है जब पर्टिकुलर किसी एरिया से, उस सेगमेंट से, जैसे 1,000 वोट हो गए या 1,200 वोट हो गए, उससे ज़्यादा अगर वोट होते हैं तो हम एक नया बूथ बना देते हैं कि भाई इस पे इतने बूथ लोग नहीं हो सकते, जी एक नया बूथ बना देते हैं। ऐसे कम से कम मैंने 85 बूथ देखे, जो लिस्ट रामपुर की हम लोग उस दिन देख रहे थे, ऐसे 85 बूथ देखे जिसमें एक बूथ पे ये तो फिक्स हो गया कि 1,000 के आसपास लमसम वोट होते हैं, 850 से 1,000 के 1,200 तक वोट होते हैं, उन पर 40-40 वोट ही पड़ पाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी थी या फिर प्रशासन का दबाव था। प्रशासन के दबाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया और उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रही है, ये तो आप मानते हैं। और उस वोटिंग, जब लोग निकल ही नहीं पाए, अपना मत दे ही नहीं पाए, भाई मत का जो अधिकार था वो नहीं प्रयोग कर पाए, तो कैसा चुनाव? हमने तो फिर द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने द्वारा बोला कि चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने अपील की थी कि हमें द्वारा चुनाव, निष्पक्ष चुनाव रामपुर में द्वारा चुनाव हो, और द्वारा एक बार चुनाव करा लें प्रशासन को हटा के, सही तरीके से निष्पक्ष निष्पक्ष चुनाव जो होता है वो करा लें, आपको पता लग जाएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलिए, ये तो रही उपचुनाव की बात, फिलहाल हम आने वाले चुनाव की बात करते हैं। आने वाला जो चुनाव है वो क्षेत्र का चुनाव होता है, बिल्कुल, जो लोकल स्तर पर जो तालुके होते हैं, शहर है हमारा या नगर क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में अब जो चुनाव होता है वो लोकल स्तर पे लोकल और जमीनी लोगों का चुनाव होता है। तो इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है नगर निगम का, तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस तरह का नेता होना चाहिए जो आम जन की समस्याओं को समझे भी और उन्हें लेकर के आगे जाए? देखिए मेरा मानना ये है, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो समाजवादी लोग हैं उनका मानना ये है कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहा हो, जनता के बीच काम किया हो, जनता की जन समस्याओं को सुनता हो। आप पिछले 5 साल उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल में नूतन जी आई भाजपा से और वो जीत गई, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं थी। सिर्फ 5 साल में उन्होंने क्या किया? 5 साल में उन्होंने अपना विकास किया, जनता के मुद्दे जहां थे वो आज भी वही हैं, कोई जनता का कोई खास प्रभाव नहीं मिल पाया, जबकि नगर निगम जैसी फिरोजाबाद की संस्था जो पूर्ण रूप से काम कर सकती थी वो स्वतंत्र काम नहीं कर पाई। तो जनता के मुद्दे, जनता तक जो मुद्दे थे वो आज भी वहीं के वहीं हैं। चलिए, शहर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि पिछले जो महापौर रही हैं उन्होंने पूरा नहीं किया? पहला, सबसे पहला मुद्दा है ड्रेनेज सिस्टम का, जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है और उसकी निकासी के लिए प्रॉपर सफाई नहीं है, और जो गंदगी है वो प्रॉपर इनको, इन्होंने देखिए कई सारे प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल कब कौन करता है? प्रैक्टिकल तब होते हैं जब ये फेल होते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, पहले डोर टू डोर कलेक्शन सेंटर चलाया, फिर डोर टू डोर कलेक्शन सेंटर को 30 रुपये में बदल दिया कि 30 रुपये महीने के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा और डोर टू डोर कलेक्शन ये कंपनी उठाएंगी, लेकिन वो भी नाकामयाब हुए। और उसका देखिए एक उदाहरण और मैं बताऊं कि बरसात के दरमियान हम लोगों ने, सभी ने, फिरोजाबाद वासियों ने कितना दुख झेला है, कितनी परेशानी झेली है, ऐसा महसूस होता था कि हम समुद्र किनारे रहते हैं और समुद्र का पानी फिरोजाबाद में आ गया। बहुत बड़ी मात्रा में पानी, जो पानी का बरसात के मौसम में जो पानी का, जो सड़कों पर जल भराव हुआ, गलियों में जो जल भराव हुआ, मोहल्ला पड़ोसों में जो जल भराव हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या थी। लोग बहुत बहुत परेशान रहे हैं इस सरकार में।
ड्रेनेज की दिक्कत, ड्रेनेज की बहुत समस्या रही है। लोग मतलब कहीं ना कहीं इतने परेशान रहे हैं कि लोग निकल नहीं पाए। आम आदमी निकलता है काम के लिए निकल पाया, रोजी रोटी के लिए नहीं निकल पाया। घर के बराबर में खाली प्लॉट पड़े, उनमें पानी भर गया, प्रॉपर साफ सफाई नहीं हुई, अभी बंदरों का आतंक चल रहा है। तो नगर निगम तभी क्यों जागता है जब जनता परेशान हो जाती है, उसे मौत हो जाती है। अभी एक सज्जन की मौत हो गई, उसके बाद नगर निगम जागा, मथुरा से एक टीम आई, तब फिर उन लोगों को, बंदरों को पकड़ने का काम इन्होंने स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं जागे ये लोग। तो नागरिकों के लिए क्या जरूरी है, नागरों की सुरक्षा जरूरी है, नागरों के हित में काम करना जरूरी है। आज आप एक मुझे बता दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर नूतन जी से मिलना चाहेगा तो कहां मुलाकात हो जाएगी, आप बताएं मुझे। नगर निगम में होगी, नहीं हो पाती, ऑफिस में मिलती नहीं वो। आज जो भाजपा के अंदर, जो भाजपा एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर जो भीड़ आज लगी हुई है आवेदन की, उससे कहीं ज्यादा भीड़ हमारी समाजवादी पार्टी में लगी हुई है। लेकिन भाजपा की भीड़ उन लोगों के लिए लगी हुई है क्योंकि नूतन जी एक रास्ता तय कर चुकी है, और वो रास्ता कहां से कहां तक तय कर लिया, नगर निगम से लेके ऑर्चर्ड ग्रीन पहुंच गई। आज उस ऑर्चर्ड ग्रीन का रास्ता, उसके लिए भीड़ लगी हुई है कि हम लोग अगर मेयर हो जाएंगे तो हम भी ऑर्चर्ड पहुंच जाएंगे। ऑर्चर्ड में तो वो कहती है हम किराए पे रहते हैं। देखिए सब कहना है, जनता के बीच वो रही नहीं, 5 साल जनता ने खूब देखा। अगर जनता के बीच रही होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उस दिन आए थे तो उन्हें ये सब गंदगी ढकने का काम नहीं करना पड़ता। गंदगी जो जिस तरीके से उस दिन बड़े स्तर पर फिरोजाबाद में ढकी गई, कहीं ना कहीं विफलताओं को हरे पर्दे से ढका गया, ये चीज उस दिन नहीं होती। फिरोजाबाद में कौन सी ऐसी समस्याएं आपको बड़ी लगती हैं जिनको अगर आपकी पार्टी से कोई महापौर बनता है तो वो सुलझा पाएगा, आपको लगता है? देखिए फिरोजाबाद में आए दिन जो कार्यालय में भीड़ लगती है, जो लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, मैंने बताया ना कि जो भी व्यक्ति, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारी फिरोजाबाद की कमेटी है, जो नेताओं की कमेटी है, वो लोग डिसाइड करेंगे। और नेता एक ऐसा चुनिंदा नेता होगा जो जनता के बीच रहा है, जनता के बीच काम कर रहा है, वो जनता की बातों को सुन रहा है। ऐसा नौसीखिया नेता जो तैरने के लिए तैयार नहीं है, उसे तैरा दिया जाए, जो जनता के साथ साथ खुद भी डूब जाए। वो आपने, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए ना, पानी का उदाहरण दिया, सीवेज सिस्टम का उदाहरण दिया, गंदगी का उदाहरण दिया, भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया, ट्यूबवेल पंप ऑपरेटरों की समस्याओं का उदाहरण है एक हमारे पास। तो ये बहुत सारे दुनिया भर की समस्याएं हैं जिन पे इन लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग इन पे काम करेंगे, जनता के मुद्दों पे काम करेंगे। जनता आज 5 साल से बदलाव चाह रही थी, कि कुछ नया चाह रही थी, वो नहीं हो पाया। जनता जहां 5 साल पहले खड़ी थी, वहां से और ज़्यादा नीचे आज खड़ी है। आज आप मुस्लिम आबादी क्षेत्र में चले जाइए, मुस्लिम आबादी क्षेत्र में हालात ये हैं, शहर में तो विकास हुआ है, स्मार्ट रोड बन गए हैं, नगर निगम नंबर वन है, स्वच्छता में नंबर वन है, और तमाम तरह के आप देखते हैं शहर में स्मार्ट रोड बन गए। तो भैया आप मुझे ये बताएं कि स्मार्ट रोड बन गए तो उस ठेकेदार को राम दरबार ले जाने की जरूरत उस दिन क्यों पड़ी? राम दरबार वो लेके गया था क्यों? क्योंकि उसे ठेका मिल गया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसी टाइम सड़क क्यों बनी, कहाँ बनी आप मुझे बताएं, किन किन मोहल्लों में बनी है स्मार्ट रोड आप मुझे बताएं। स्थिति ये है कि आप वहां से बाइक से सही तरीके से निकल नहीं सकते, बाइक छोड़ी पैदल नहीं निकल सकते। ऐसी बहुत सारी गलियां हैं, मैं आपको लेके चल सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जनता देख रही है उन लोगों को। 5 साल, देखिए 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, 60 महीने की सरकार में क्या हुआ, आप इनसे जवाब तो मांगिए। देखिए मीडिया के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति है, चौथा स्तंभ है आज देश का, लोकतंत्र का। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी गलियां हैं। मैंने आपके मैनपुरी चुनाव के दरमियान आपकी कवरेज देखे, आप लोगों ने जनता में पूछा, आप लोगों की राय पूछी, वहां की जनता ने जो राय दी आपके चैनल ने दिखाया उस चीज को, और आज देखिए वहां चुनाव जीते हम लोग। आज कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाई है जो नगर निगम में नहीं हो पाई। इनफैक्ट जितनी गलियां थी जिनका भराव होना था, ये अब इनकी सरकार, इनका मेयर और उस सरकार में गलियों का भराव भी इन्होंने कचड़े से कराया है, मिट्टी नहीं डाल पाए हैं। आप बताओ कचड़े वाली गली में रहना चाहोगे या मिट्टी वाली गली में रहना चाहोगे, आप सोचो। योगी जी अभी आए और कचड़े की जितनी गलियों में भराव होगा वो बैठेगा ही बैठेगा,
योगी जी अभी आए, जो उन्होंने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उन्होंने बोला कि इस बार हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है। तो अब गत वर्ष भी ट्रिपल इंजन की सरकार रही जो पिछली सरकार थी, तो भाई तीन इंजन अगर किसी गाड़ी में लगे होंगे तो वो गाड़ी तो सरपट दौड़नी चाहिए। नहीं भाई, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तीन इंजन की गाड़ी क्यों फेल हो जाती है। जी, क्योंकि ताकत जब बरकरार नहीं लगेगी किसी चीज में, सिस्टम में, देखिए फोर्स अगर एक इंजन पीछे को खींच रहा है, एक इंजन चल नहीं रहा है, तो कैसे चल जाएगा बताओ। तरीका होता है, देखिए कोई भी कार्यक्रम है, तीन आपने मैंने हम लोग यहाँ रहे हैं, फिरोजाबाद के वासी हैं, मैं ऐसे तो नहीं कि कोई चीज झूठ चैनल के माध्यम से झूठ बोल रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि 5 साल के दरमियान कई बार ऐसा हुआ है, वाकया ऐसा कई बार हुआ है इन 60 महीनों में कि नगर निगम की ग्रांट कट गई है। तो इस ट्रिपल इंजन का कहाँ विकास हो, कहाँ विकास, जब गारंटी कट गई, प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाई, कई बार धरने हुए, ये हर बार की समस्या है, तो इस ट्रिपल इंजन का क्या मतलब है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई महापौर होता है तो चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है कि आपको कि आपको जितना आपको चाहिए पूरा बजट मिलेगा, काम आपके होंगे, सुनवाई होगी? देखिए वित्त आयोग से जो ये जो पैसा मिलता है वित्त आयोग से मिलता है, हम लोग अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसको मजबूती से आवाज़ भी उठाएंगे जनता की। कुछ नगर निगम के पास अपने सोर्सेज होते हैं पैसे के, इनकम के, तो प्रॉपर तरीके से कागजी कार्रवाई, जो लोगों की जो ज़रूरी कागज होते हैं उनका टाइम टू टाइम डिलीवरेशन करेंगे, उनके जो किसी भी किसी व्यक्ति को कोई कागज की जरूरत है, जो भी नगर निगम से बनते हैं, जो संस्था के जरिए बनते हैं, उन कागज को बेहतर तरीके से उनके घर तक पहुंचाएंगे, और जो उनकी पार्षद लोगों की पार्षदगणों की जो भी समस्याएं रहेंगी उनको बेहतर तरीके से सॉल्व करके जनता के बीच, जनता पहले भी हम लोगों ने देखिए नगर निगम फिरोजाबाद को किसने दिया? समाजवादी सरकार में मिला फिरोजाबाद को, नगर निगम का दर्जा जो मिला वो भी समाजवादी सरकार में मिला, समाजवादी में मिला है ना। दूसरा, फिरोजाबाद को जेड़ा झाल मीठा पानी जो योजना थी वो भी फिरोजाबाद को नगर निगम के टाइम पे ही मिला, समाजवादी लोगों ने दिया। हमारे पास बताने को है तभी तो हम ये चीजें बता रहे हैं। भाजपा के लोगों को मेरे सामने बिठाइए, अपने चैनल पे आप बिठाइए, मेरी डिबेट कराइए उनसे, मैं बताऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा उन्होंने क्या दिया। जनता उनसे पूछेगी, जनता के बीच बिठाइए आप उन्हें, जनता उनसे पूछेगी 5 साल में उन्होंने दिया क्या। ये जो रेस लगी हुई है ना भाजपा में दिखावे की, प्रबुद्ध सम्मेलन से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम्मेलन हर पार्टियां करती हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन चूंकि मुख्यमंत्री का सम्मेलन था और भीड़ भी बाहर की बुलाई हुई भीड़ थी, इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आज यहाँ के मुद्दे देख रही है, जनता की नज़र में कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं प्रॉपर टाइम पर हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। 5 साल की इनकी जो सरकार चली है उसमें लोग हताहत हो गए हैं, हर बरसात में पानी भरेगा, पिछले 5 साल में 5 बार लोगों ने देखा, जब जब बरसात हुई शहर का समुंदर बन गया, गलियां कीचड़ बाहर आ गया, प्रॉपर टाइम पे सफाई नहीं हो पाई, प्रॉपर टाइम पे ये लोग मिट्टी नहीं अवेलेबल करा पाए, गलियों में मिट्टी का भराव होता है ये तो हमने हर जगह देखा है, लेकिन गलियों में पहली बार कचड़े का भराव हुआ है। ऐसी कई सारी गलियां हैं, ठेकेदार ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने कचड़े का भराव किया है। आप बताइए इन मुद्दों पे कौन बात करेगा? और जो जनता ने ये देखा है कचड़े का जो भराव, वो सारी गलियां बैठ गई हैं आज, जो भराव हुआ था ऊपर उसके RCC कर दी गई या पत्थर बिछा दिया गया, वो सारा चटक रहा। तो लोगों को ऐसा विकास चाहिए जो विकास 5 साल ना चल पाया हो, 5 महीने ना चल पाया हो, अभी कचड़े की इतनी मिट्टी की शॉर्टेज थी, गलियों का भराव अभी तक नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर। मेयर साहिबा उस टाइम सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि गलियों में भराव होने हैं, तो मिट्टी से भराव होता है, MBA पास किए हुए हैं मैडम साहिबा। आप एक बात बताइए, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी निकलने की, गलियों का भराव जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। चलिए, देश का जो अभी आप माहौल देख रहे हैं, सारे लगभग हर जगह जो है वो भाजपा की ही सरकार है, हर प्रदेश में लगभग लगभग है, बाकी अभी गुजरात में भी जीते, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पूरा देश भाजपा में तो नहीं हो जाएगा? देखिए साहब, मेरा मानना ये है, अगर आप सही तरीके से देखे जाएं
तो आप मुझे राज्य गिनाएं तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि भाजपा की सरकार कहाँ कहाँ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है, बाद बाकी आप छोड़ दीजिए, हरियाणा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, और आसपास का कोई भी ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ इनकी सरकार हो, मुझे बता दीजिए। जो सरकारें कांग्रेस की चुनी गई, लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायक खरीदे गए, किसने नहीं देखा ये सब चीज़ें? तो भाजपा आज गिर रहा है, भाजपा का गिराव गिर रहा है, भाजपा की नीतियों से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान और बेरोजगारी से परेशान है लोग। इनके विकास का जो मॉडल था वो सबने देख लिया, सब लोग देख रहे हैं। गुजरात का मॉडल, उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल लेके वो गुजरात में वापस दोबारा से, और हर बार गुजरात में गुजरात के मॉडल से वो पास हो जाते हैं, इस बार भी हो गए। इस बार होने का एक कारण है, देखिए वहाँ जो वोट का डायवर्जन जो हो गया, वोट का डायवर्जन, आम आदमी पार्टी जो चुनाव वहाँ लड़ी उसका वोट का डायवर्जन हो गया, वोट दो तरफ चले गए। वो अगर कहीं ना कहीं एक तरफ वोट मिलता, किसी भी पार्टी को मिलता, तो एक पार्टी जीत जाती, भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती। आम आदमी तो तीन सीटें केवल लेकर आ पाई है। नहीं तो ये देखिए, वोट तो उनका 35 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, 35 ऐसी सीटें हैं जिन पे वो लोग दूसरे नंबर पे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट का डाइवर्जन हुआ, तो वोट एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। लोगों की जो मांग थी, ठीक है लोकतंत्र है, लेकिन दो राज्य ये हारे भी, तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव ये हारे, दिल्ली नगर निगम में इनकी पिछले 15 साल से सरकार थी, लोगों के सामने कूड़ा वहाँ भी बहुत बड़ा मुद्दा था, कूड़ा आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन अब स्थिति वहाँ सामान्य है। तो इन्होंने, ये लोग काम नहीं कर रहे थे, लोगों ने बदल दिया। हिमाचल में क्या हुआ, उखाड़ के फेंक दी सरकार, डबल इंजन की सरकार गई, यहाँ 3 इंजन की चल रही है। मैंने बताया ना, 3 इंजन की कभी सरकार नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती, हमने देखी नहीं आज तक गाड़ी 3 इंजन की, 3 इंजन की गाड़ी चलती ही नहीं, प्रैक्टिकली फिजिबली देखी जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक उनमें सेटलमेंट सही से ना हो जाए। आप 3 इंजन की सरकार चला रहे हैं, बरकरार ग्रांट कट रही है, नगर निगम के विकास का जो पैसा आना था, फिरोजाबाद के लोगों के लिए आना था, वो पैसा ही नहीं आ पाया, कहाँ से विकास कराएंगे लोग? फिलहाल राजकुमार जी ने नगर निगम पर भी बात की, उन्होंने महापौर कैसा हो इस पर भी बात की, और उन्होंने बात देश की भी की, उन्होंने सरकारों की भी बात की। इन सब मुद्दों पर आज चर्चा राजकुमार जी के साथ हुई। राजकुमार जी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी आप लोग क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस बार नगर निगम में किसकी सरकार हो, कौन सा, किस तरह का महापौर होना चाहिए, ये भी आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।